तो मेरा दो सोना जो टाका जो लिया मुझे रिटर्न चाहिए। खाने के लिए एक पैसा कुछ नहीं है, आलू लेने के लिए भी पैसा नहीं है, स्कूल का खर्चा, खाने का पैसा। अभी पेपर का काम करता घर पे बैठ बैठ के, बिंदी का काम, पेपर पुल का काम कर रहा घर में, 200 रुपया का काम करता है, दोनों मिलके ऐसा हालत हो गया। आप लोग को भरोसा है, आप लोग कुछ करो, नहीं का विचार होना चाहिए, नहीं का साथ होना चाहिए, जो बूढ़े है बूढ़े सोचना चाहिए उन लोग को ना। में एक व्यापारी की डेथ हो गई, मर गया वो व्यापारी, गलत रिकवरी किया था और गलत रिकवरी के बाद में 7 दिन के बाद में व्यापारी मर गया। उसने क्लियर कहा था, उसके बाद में उसकी मौत हो गई। और ये रिसेंटली अभी हुआ, कल्याण पुलिस स्टेशन से लोग को गए थे उधर रिकवरी करने को और वो आदमी मर गया। तो इस बाबत में आप खास ध्यान देवे, क्योंकि व्यापारी टैक्स भरने वाले व्यापारी है, अगर टैक्स भरने व्यापारी नहीं रहेंगे तो ये सब खर्चा पिर्चा जो भी आज नंबर का जो पैसा आज जो गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है वो सब। नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय मैं ज्वेलरी शॉप में खड़े हैं, आपको दिखाई दे रही है गोल्ड की चमक, लेकिन इस गोल्ड की चमक के पीछे इंसान कितना तकलीफ में आ सकता है, कितनी परेशानी में आ सकता है, ये हम दिखाने आपको आए हैं। आपको पहले जो हमारे साथ दुकान मालिक है उनसे मुलाकात कराऊँ, उसके पहले ये बताता हूं कि जितना भी ये गोल्ड यहां दुकान में इस समय दिखाई दे रहा है, ये निसंदेह गोल्ड है, लेकिन सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड वाला ये इमिटेशन ज्वेलरी है। इनका कोई बहुत बड़ा धंधा नहीं है, लेकिन इनके साथ में पिछले कुछ दिनों में कुछ वारदात घटित हुई, कुछ मामला हुआ, इनकी गलती है उस मामले में, निसंदेह मामले गलती नहीं है, ऐसा नहीं है। अक्सर सोने के व्यापारी से गलती कॉमन गलती है कि वो अनजान लोगों से कुछ ऐसा माल खरीद लेते हैं कि जो शायद बाद में वो माल चोरी का निकले, तो तब उस समय उसको गलती कहे या एक पल के लिए लालच भी कह सकते हैं, लालच कहे या उस लालच के चलते जो उनको तकलीफें आती है वैसा ही बयान करने आए हैं। इस दुकान का नाम है, ये भाईंदर की शॉप है, इस दुकान का नाम है माँ जानकी ज्वेलर्स, और इसके दुकान मालिक सहदेव मैती जी मेरे साथ में है, उनसे बात करते हैं। सहदेव जी नमस्कार। नमस्ते। हाँ सहदेव जी, आपके साथ में क्या हुआ बताइए। मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ, अपने पास इतना पैसा भी नहीं है, ऐसा भी मैं 5-6 साल से अपना कमर का तकलीफ है, दूसरा भी अपना तकलीफ का वजह से अपन सोने का काम छोड़ दिया था, फिर अपन ये दुकान में चाय का धंधा किया, चाय बेचा, नाश्ता पानी पूरी बेचा, बड़ा पाव बेचा, फिर अपना संसार चलने के लिए जैसा इनकम नहीं हो रहा था, फिर मैंने ऐसा मैं 30 साल सोने का लाइन में हूँ, छोटा उम्र में से आके सोने का काम सीखा, बॉम्बे जोहरी बाजार में सोने का। मामला क्या हुआ बताइए। मेरे साथ मामला उस दिन भाईकेला पुलिस स्टेशन से पुलिस साहब आया था, एक लड़का को लेके के इससे कुछ लिया था, मैंने बोला हाँ, उससे मैं एक सोने का चेन लिया था 27 ग्राम का, उसको मैं दिया था 1,10,000 रुपया उसके बदले में, फिर मेरे को साहब ने बोला आपका सीसीटीवी फुटेज लेके उस दिन आया था, कौन सा तारीख मेरे को ध्यान में नहीं है, शुक्रवार के दिन आया था और मेरे को रविवार बुलाया था, सीसीटीवी फुटेज नहीं भी मिलेगा तो तुम मिलने के लिए आने का। फिर मैं इधर से एक वकील लेके गया था उस दिन मिलने के भाईकेला पुलिस स्टेशन में, फिर उधर भाईकेला पुलिस में जाके पहुंचा, वो साहब ने उधर बोला तुमने 150 ग्राम सोना लिया, फिर उधर जो जिससे मैं सोना लिया था आरोपी उधर था, उनको भी बाहर मेरे सामने लाया, उन्होंने भी बोला हाँ मैं 150 ग्राम बेचा, लेकिन मैं 150 ग्राम सामान नहीं लिया, खाली 27 ग्राम का एक चेन बैंड नहीं लिया था सर। हम कैसे मान लें कि आपने 27 ग्राम ही लिया, और 27 ग्राम लिया तो क्या आपने उस बंदे को पहचानते थे या उससे बिल देखा था? नहीं, उनको सब मैं बिल मांगा था, बिल नहीं था, उनका मासी कोई पड़ोसी अपना दुकान का बाजू में रहता है, आज अभी भी है, फिर बोलते मेरा मासी बाजू आपका दुकान का बाजू में, फिर उनको बुला के लेकर आओ, फिर उसका मासी को बुला के लाया था, बोलता है मेरा दीदी का ही सामान है और उसका बिल होगा था, अभी घर में झूना सामान है, उनका बर्थडे में उसका आईफोन गिफ्ट चाहिए था, उसका हिसाब से सामान बेचने के लिए भेजा, और वो दीदी बोलता है उसका मासी बोल रहा है कि आप लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम इधर है, हम जानता है, हम गारंटी है। लेकिन आपको कानून मालूम है कि कानून, आप हमेशा ये काम धंधा करते हैं, आपको मालूम है कि बिना बिल का लेना आपको इसे मुश्किलों में डाल सकता है, तो उसके बावजूद आपने क्यों लिया?
सब इतना मेरे को मालूम नहीं था, मैं भी नया दुकान चालू किया, अभी 6 महीना भी नहीं हुआ, 6-7 महीना होगा अब तक, 8 महीना होगा मैं दुकान किया। और मेरा परिस्थिति बहुत ख़राब है और मेरा कमर का बहुत प्रॉब्लम है, मेरा कमर के वजह से मैं कुछ काम कर नहीं पाता, और आँख का भी प्रॉब्लम है, वो अपना सोने का काम इसके लिए मैं छोड़ दिया, आँख से भी नहीं हो रहा है, कमर का भी बहुत दिक्कत है। वो हिसाब से बाद में आपने पुलिस स्टेशन में गए तो फिर क्या हुआ? पुलिस स्टेशन में गया, उधर का साहब बोलता है 150 ग्राम सोना लिया तुम उससे। फिर मैंने उधर तो एकदम मुश्किल में मुसीबत में गिर गया, मैं 27 ग्राम सामान लिया और उधर साहब ने बोला तुम 150 ग्राम लिया। फिर मैं मेरा मिसेस को उधर से फ़ोन किया कि अभी का अभी इधर, और उधर का साहब मेरे को छोड़ नहीं रहा था, 1 घंटा का अंदर 150 ग्राम सोना भरना पड़ेगा। और मैं फिर मेरा मिसेस को फ़ोन किया था उधर से कि ऐसा ऐसा बात है इधर, 150 ग्राम सोना भरेगा, मेरे पास सोना नहीं रहेगा, दुकान बेच के भी कुछ भी करके। फिर मैं जो वकील को लेके गया था, साथ वकील बोलता है साहब मेरे साथ में छोड़ो, सुबह कल देने के लिए आएगा। फिर मैं फिर आया था, मेरा मिसेस दुकान का सामान इधर उधर करके जो भी लेके इकट्ठा करके गिलाया था 150 ग्राम, वो सोना फिर दूसरा दिन मैं देने के लिए गया था, देखे आ गया उधर साहब को, साहब पुलिस स्टेशन में सोना नहीं लिया था, पुलिस स्टेशन के बाहर एक चाय का होटल में लिया था, चाय का होटल में लिया। फिर मैं बाहर आ गया, हम लोग आ गया, फिर वकील को मैं फ़ोन किया था कि दीदी वो सोना में दे दिया साहब को, दूसरा कौन साहब पुलिस था चाय होटल में सोना, पुलिस ने सोने का पंचनामा किया, सोने का पंचनामा तुरंत नहीं बोला तो कल बुलाया था मेरे को ऐसा। फिर वापस और गया ने वकील से बात हुआ था, बोलते पंचनामा दे देगा पुल भाई के लिए, पुलिस पंचनामा देगा। फिर 4-5-6 दिन बाद ऐसा कुछ बाद मेरे को वकील फ़ोन किया कि तुम्हारा सोना बहुत हल्का बैठ गया, गहरा टच का बैठ गया और पुलिस बुलाया। फिर मैं मेरा मिसेज मेरा छोटा लड़का और वकील गया पुलिस स्टेशन, भाई केला पुलिस स्टेशन, भाई केला पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो बोलता है तुम हल्का क्वालिटी का सोना क्यों दिया, पुलिस के साथ फरट कर रहा है, फरट क्यों कर रहा है। फिर मैं भी क्या करूँ, फिर सर इसको ऊंचा करने के लिए आपको सोना दो, मैं फिर इसमें और सोना बढ़ा के ऊंचा क्वालिटी का करके 150 ग्राम सोना देगा। पहला दिया था मैं 149,270, वो सोना बैठ गया था 11 कैरेट का। फिर दोबारा उधर का पुलिस बोल रहा था कि तुम 150 ग्राम सोना पापो 18 कैरेट का बना के लेकर आओ। फिर दूसरा दिन में जाके उधर 18 कैरेट का सोना लेके गया, वकील का हाथ में दिया था पुलिस स्टेशन का अपोजिट में बाहर। फिर वकील उस दिन शाम का था, वो तारीख इतना मेरे को ध्यान में नहीं लिखा है, वो फिर वकील पुलिस स्टेशन से बाहर आया 1-1.5 घंटा बाद या 2 घंटा बाद, हम लोग बाहर रुका था भाई केला पुलिस स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में मैं मेरा मिसेस छोटा लड़का बैठा था। फिर मैं आके पूछा दीदी सोना रिटर्न दिया, दूसरा पहला वाला 149 ग्राम बोलते ने वो भी रखा, और मैं बाद में 148,440 सोना जो दिया था वो भी उन लोग रखा। मतलब आपका कहना है कि आपने लिया था 27 ग्राम जी, उसके बदले हमने एक बार आपने 149 ग्राम दिया और दूसरी बार 148 ग्राम दिया, 148 ग्राम 440। अच्छा, फिर आपको उसमें से कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। फिर मैं अभी वकील को बोल रहा हूँ पंचनामा पेपर, उस दिन वकील हाथ में लेके आया था पुलिस स्टेशन से। फिर मैं बोला पेपर पंचनामा पेपर दिया, बोलते हाँ दिया। मैं फिर मिला मेरे को दो, बोलते नहीं ये मेरे को ही चाहिए, कोर्ट में जमा करना पड़ेगा, सोना निकालना पड़ेगा, बोला ठीक है। फिर ऐसा करके फिर 1-1.5 महीना हो गया, वकील भी अपना पंचनामा पेपर नहीं दिया, कोर्ट में लगेगा, कोर्ट में जमा करेगा, ऐसा कर करके फिर अपने 1.5 महीना 2 महीना इतना तारीख मेरे को ध्यान में नहीं है। फिर मेरे को पंचनामा पेपर दिया तो पंचनामा पेपर में देखा एक सोना है, वो पहला 149,270 जो दिया था, मतलब वो हिसाब से 149 ग्राम लिखा है पंचनामा का, एक मिला मेरे को, और एक 148 ग्राम का जो 18 कैरेट का वो नहीं मिला। और आपको किस तरह से प्रताड़ित किया गया और आपसे क्या कुछ मांगी गई? अच्छा, मेरे को मैं जो ये प्रॉब्लम में अटक गया वो हिसाब से मैं जो वकील पकड़ा था, वकील भाई के लिए जाने के लिए मेरे को बोला 2,60,000 रुपया देना पड़ेगा, वो मैं पूरा उधर मतलब पटा दूंगा, उधर का काम पटा दूंगा कि झंझट नहीं रहेगा, सोना भी भरना नहीं पड़ेगा, 2,60,000 रुपया में आपका सब क्लियर हो जाएगा, आपका 2,60,000 में पुलिस स्टेशन का जितना प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा, आपका कुछ झंझट। पैसा किसको दिया है, क्या पैसा कैश दिया आपने? वकील को दिया था, कैश दिया था 2,60,000 रुपया। फिर आप आरोप लगा सकते हो कुछ भी, ऐसा मैंने कैश दिया ये दिया नहीं, कुछ प्रूफ है आपके पास इसका प्रूफ ऐसा? फिर मैं जो उनको 2,60,000 रुपया था उसमें से मेरे को 1,97,000 रुपया रिटर्न दिया, ये मेरा पासबुक है। मतलब आपका ऐसा कहना है कि आपको 2,60,000 में से 1,97,000 वापस रिटर्न मिला? हाँ। अच्छा, 1,97,000 रुपया कैश, मैं उनको कैश दिया था 2,60,000 रुपया और मेरे को बैंक ट्रांसफर में दिया 1,97,000 ये पैसा उन्होंने क्यों दिया आपको?
एक ही उदय फिर मैं मेरा हालत ऐसा खराब है, फिर अपना भाईंदर अपना ज्वेलरी लाइन का जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन का जो हेड है अपना भवर साहब जी, वो भवर साहब ने बोला इनके, मैं उनके पास जाके बहुत रोया, पुलिस चौक में भी सब मैं बहुत रोया था, और भवर साहब को बोला मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे बाँचने का लायक ही और है नहीं, आज का तारीख में भी जो बोल रहा हूँ सर मेरे पास एक रुपया नहीं है ये कंडीशन में। आपकी क्या मांग है? अभी मेरा दोनों सोना मेरे को रिटर्न चाहिए। आपका क्या नाम है? तनुश्री माइती। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो? मैं चाहती हूँ मेरा दो सोना जो टाका जो लिया मुझे रिटर्न चाहिए, खाने के लिए एक पैसा कुछ नहीं है, आलू लेने के लिए भी पैसा नहीं है, स्कूल का खर्चा, खाने का पैसा, अभी पेपर का काम करता है घर पे बैठ बैठ के, बिंदी का काम, पेपर पुल का काम कर रहा है घर में, 200 रुपया का काम करता है दोनों मिलके। मैं ऐसा हालत हो गया, आप लोग को भरोसा है, आप लोग कुछ करो, न्याय का विचार होना चाहिए, न्याय का साथ होना चाहिए, जो बूढ़े है बूढ़े सोचना चाहिए उन लोग को ना। तो ये हम बात कर रहे थे अभी, ये कुछ रुआ से हो गए, और अब इन्होंने कुछ बात बताई, उसमें कुछ चीज़ें मैं एडिशनल आपको बताना चाहूँगा। इनकी बातों पे चूंकि एक मामले में एक तरह से आरोपी है, आरोपी का स्टेटमेंट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, आरोपी है अपने बचाव में कुछ भी बोलता है, लेकिन मैं सरकारी डॉक्यूमेंट की बात करूँगा, तो सरकारी डॉक्यूमेंट ये पंचनामा है जो ये दिखा रहे हैं, इनको पुलिस से दिया गया है, साथ ही साथ एफआईआर का कॉपी है, जो एफआईआर हुई जिसके ऊपर ये पंचनामा हुआ, एफआईआर नंबर है 734/2022, और पंचनामे में एफआईआर नंबर मेंशन है 734/2022। अब इस पंचनामे में अ ब क और ड चार जनों की रिकवरी का इसमें मेंशन किया हुआ है, जिसमें सबसे पहला नाम इनका है सहदेव ज्योतिन्द्र राम माइती, इसमें 149 ग्राम सोना रिकवर हुआ है, ऐसा खुद पुलिस अपने पंचनामे में लिख रही है, ये 4/10/2022 का ये पंचनामा है। अब इसमें सबसे बड़ी एक जो खामी मुझे दिखाई दी, वह खामी है एफआईआर जो है, उस एफआईआर में जिस एफआईआर का जिक्र इस पंचनामे में किया गया है वही एफआईआर की कॉपी है। इस एफआईआर में पुलिस ने खुद लिखा है, पहले नंबर पर 1.5 लाख रुपए की सोने की जैसी धातु है, माणिक धातु, चेक खड़े असलेले, चेकों ने पेंडल, उसका कुछ वर्णन नहीं है कि क्या था, चैन है लेकिन वजन का वर्णन नहीं है। दूसरे नंबर पर 7 ग्राम और 4 ग्राम की दो अंगूठियां हैं, यानी कि 11 ग्राम। तीसरे नंबर पर 40 ग्राम की दो बंगड़ी है, 40 और 11 51 ग्राम होता है, और जो पहले नंबर पर ग्राम नहीं है वहाँ हम अगर 20 ग्राम भी पकड़े तो 71 ग्राम होता है, 71 ग्राम खुद पुलिस इसमें एफआईआर में नोंद कर रही है, जबकि पंचनामा 150 ग्राम का पुलिस कर रही है। अब ये तो और भी आरोप लगा रहे हैं कि 148 ग्राम और भी लिया है, मैं उसकी बात नहीं करूँगा क्योंकि उसका पुरावा मेरे सामने फिलहाल नहीं है। अब जब 70-71 ग्राम की एफआईआर है तो पुलिस ने 150 ग्राम का रिकवरी कैसे किया, ये सवाल बड़ा है। दूसरी बात, जैसे इन्होंने अभी एक बड़ा आरोप लगाया कि इनसे 2,60,000 रुपये मांगे गए, तो मुझे भी भरोसा नहीं हुआ, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, तब इन्होंने कहा कि वो पैसा मांगा गया, लेकिन जब इस पूरे मामले में महाराष्ट्र राज्य स्वर्णकार फेडरेशन उतरी, उसके बाद उस 2,60,000 में से 1,97,000 वापस रिटर्न भी किया गया, और वो रिटर्न किया गया कैश नहीं दिया गया, ये सबसे बड़ा प्रूफ है उसका, इन्होंने भी ये देखा है, चैट है और बैंक एंट्री है, तो अब अगर किसी ने पैसा लिया नहीं तो उसने रिटर्न दिया क्यों, ये सवाल भी बड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है काफ़ी पेचीदा है ही, इस मामले में वरिष्ठ अधिकारी को चाहिए कि गहनता से जाँच करें। मैंने इस मामले के आयोग से फ़ोन पर बात की, उनसे फ़ोन पर इसकी जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने आवाज़ नहीं आ रहा है, अभी मालूम नहीं पड़ रहा, आप यहाँ के बात करो, इस तरह से उन्होंने बात की, और या तो उनकी बात करने की मर्जी नहीं थी या शायद उनको मेरा आवाज़ नहीं जा रहा होगा, लेकिन वो यही बोलते कि आप भाईकल आओ
तो उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। अगर इन फ्यूचर कभी ज़रूरत लगी और पुलिस ने मुझे बुलाया तो मैं उनका भी बाइट लेने के लिए उनका भी जो कुछ कहना है वो ज़रूर आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने जो कहानी दिखाई, ये कहानी दिखाने के पीछे का मकसद यही था जैसा मैंने शुरू में कहा कि सोने का व्यापारी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अरबोपति है खरबोपति है, उसके पीछे की कहीं तकलीफें उसको हो सकती है जो हमारे सामने नहीं है। अभी इस मामले में हमारे साथ भंवर जी मेहता जो महाराष्ट्र स्वर्णकार फेडरेशन के उपाध्यक्ष है वो भी है, उनसे भी ज़रा चर्चा करेंगे। अंकल आप इस मामले में क्या कहेंगे, इनका माँ जानकी मोबाइल के साथ में जो अभी घटना घटित हुई उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं महाराष्ट्र राज्य सरापा स्वर्णकार फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मेरा रोड से विरार मेरा एरिया है। ये माँ जानकी वाले मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे एक ही बात कहा कि अंकल मेरे से साथ में 149 ग्राम और 148 ग्राम की रिकवरी हुई है और मैं एक इतना इतना एक बाली एक वगैरह सब दिया मैंने। मैंने किसके लिए दिया? तो मतलब आपने कितना लिया था? पता मैंने 27 ग्राम लिया था। तो ऑन द स्पॉट हमने उसी टाइम हमने एक लेटर बना के सेकेंड डे हम भाईकला जाके आए, साहब से रिक्वेस्ट की, बोलता है इन्होंने हमको ऐसा बोला नहीं, इसको जब अंदर बैठाने की बात आई तो उसने एक्सेप्ट कर दिया। मैंने बोला सर आप कम से कम आपका इन्वेस्टिगेशन का भाग था, आपको ये देखना था कि भाई रियल में इसने कितना लिया। 27 की जगह 30 हो सकता है क्या, 27 की जगह 25 हो सकता है, लेकिन 27 का 150 तो नहीं होता ना। तो 150 ग्राम की जो भी रिकवरी हुई है कोई किसी भी आईओ ने की है वो गलत है और ये बिल्कुल सरासर गलत है। किसी के व्यापारी के एक तो ये कोरोना काल के टाइम में व्यापारियों की हालत ख़राब है और व्यापारी बिल्कुल आज रोज समय जा रहे हैं, ट्रीटमेंट में पूरा नहीं हो रहे हैं, घर का भाड़ा नहीं पूरा पड़ रहा है, दुकान का भाड़ा नहीं पूरा पड़ रहा है, बच्चों का स्कूल का क्लासेस का वगैरह सब चार्ज लग रहा है लोगों को। और आज के टाइम में भाड़ा भरते हुए भी बचाना पैसा तो मुश्किल है। ये टाइम में अगर ऐसी 150 ग्राम की रिकवरी गलत तरीके से 27 ग्राम की जगह 150 ग्राम की रिकवरी और प्लस 148 की और पीछे से की जो वो भी अभी तक नहीं मिली है तो सब सरासर गलत है। इसका मैं घोर विरोध करता हूं, ये जल्दी से जल्दी वापस लौटाई जाए और इसकी रिकवरी वापस मैं सचिन पाटिल साहब जो भी इसके आईओ है उनसे चाहता हूं कि आप इस केस के आईओ है इस बाबत में आपको ध्यान दे के इसको किसको आपको सुलटाना होगा। अंकल ये तो आप बोल रहे हैं कि 27 ग्राम अंकल ये तो आप बोल रहे हैं कि 27 ग्राम, लेकिन FIR वगैरह में कुछ अलग है तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए FIR के अंदर मैंने ही निकाली थी, जैसे ही मुझे नंबर मिला मैंने FIR निकाली थी। तो FIR के अंदर जो लिखा था वो मैं देख के एकदम चकित रह गया कि आज 60 ग्राम की FIR होती है और 150 ग्राम की रिकवरी तो कर रही है और 150 की और कर रही है और बाकी दूसरे से भी उन्होंने रिकवरी करी है कम से कम, नहीं तो इन्होंने 600 ग्राम की रिकवरी की है। तो ये सब जो गलत रिकवरी जो हो रही है उन्हें रोका जाए, क्योंकि आज के टाइम में किसी भी गलत रिकवरी जो कर रहे हैं उसका हम घोर विरोध करते हैं। और पहले आप किसी भी व्यापारी को अपनी FIR की कॉपी बताइए, जो रश्मि शुक्ला महासंचालक ने जो गाइडलाइन दी है उस हिसाब से चलिए, पंचनामा बताइए और पंचनामा उसको लिखिए और कबूली बयानामा जो कि आरोपी कबूल करता है कि मैंने इतना सोना इधर ये जाके दुकान पे जाके बेचा था करके, वो कबूली बयानामा होता है। और चौथा होता है कि इसकी रिमांड कॉपी। ये सब किए बिना आप किसी भी आरोपी को उठा के लेके जाते हैं, उठले वर्जरा के गलत रिकवरियाँ कर रहे हैं, इसका हम घोर विरोध करते हैं। और ऐसा कुछ रहा तो हमें कोर्ट में जाना पड़ा आगे की कार्रवाई के लिए, तो हम जाएंगे और बंद रखना पड़े तो दुकानें भी बंद रखेंगे। आपकी संस्था इस पर क्या एक्शन लेगी? हमारी संस्था एक ही एक्शन ले रही है कि किसी भी व्यापारी के साथ में न्याय होना चाहिए, किसी भी व्यापारी के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर अन्याय हुआ तो हमको कहाँ तक भी अगर जाना पड़ा वहाँ तक आगे की कार्रवाई हम करेंगे। तो ये अभी हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र राज्य स्वर्णकार फेडरेशन के उपाध्यक्ष भंवर जी मेहता से, इन्होंने भी कड़े शब्दों में यही कहा है कि जो असल सही मामला है सही चीज़ है उस पर ध्यान देना चाहिए, अगर कुछ गलत होता है तो ये उस बारे में आगे इनकी संस्था के बैनर तले आंदोलन तक करेंगे। और क्या एक अभी मैं नासिक में इस ज्यादती की वजह से अभी में एक व्यापारी की डेथ हो गई, मर गया वो व्यापारी, गलत रिकवरी किया था और गलत रिकवरी के बाद में 7 दिन के बाद में वो व्यापारी मर गया
उसने क्लियर कहा था, उसके बाद में उसकी मौत हो गई। और ये रिसेंटली अभी हुआ, कल्याण पुलिस स्टेशन से लोग गए थे उधर रिकवरी करने को और वो आदमी मर गया। तो इस बाबत में आप खास ध्यान देवे, क्योंकि व्यापारी टैक्स भरने वाले व्यापारी है, अगर टैक्स भरने व्यापारी नहीं रहेंगे तो ये सब खर्चा पिर्चा जो भी आज नंबर का जो पैसा आज जो गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है वो सब बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये मामले में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे संदेह हैं जिन पर जैसा मैंने पहले कहा कि जांच होनी चाहिए, और संबंधित जो भी अधिकारी है और वरिष्ठ अधिकारी खास तौर पर, उनको इस मामले को गहनता से जांच कर जो भी मामले में कानूनी कार्रवाई बनती है वो करनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही, वसई भाईंदर से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।